मेरे हिमालयन पहाड़ों के सफ़र में ये कहानी एक ऐसे छोटे से गांव की है जो इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया से पार का एक गांव है। वो इसलिए क्योंकि ये गांव दो नदियों के बीचों बीच स्थित है और नदियों के बीच होने के कारण ये गांव बाकी जगहों से काफ़ी कटा है। आज से 3 महीने पहले तक यहाँ पर ये पुल भी नहीं था। केवल एक इंसान एक वक्त में एक छोटी सी ट्रॉली में बैठकर नदी पार किया करता था। इस गांव में कुल मिलाकर सिर्फ 7 ही मकान हैं और उन मकानों में रहने वाला हर शख्स किसान है। यहाँ मुझे कोई मॉनेस्ट्री, मॉन्क, गुफा या योगी नहीं खींच कर लाया। यहाँ तो मुझे एक ऐसी संजीवनी जड़ी बूटी खींच कर लाई जिसके ऊपर यहाँ के गाँव वालों की जिंदगियाँ निर्भर करती है, और उस औषधिक जड़ी बूटी का नाम सी बकथॉर्न है। ट्रांस हिमालय के जंगली क्षेत्र जैसे लाहौल, लद्दाख, स्पीति, तिब्बत, इन जगहों पर यह जड़ी बूटी कुदरती उगती है। -40 डिग्री हो या +40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हर तापमान को सहने की क्षमता रखती है। चाहे जितना सूखा हो, ये अपने आप फलती फूलती है, मानो जैसे खुदा का कोई वरदान हो। वो सामने एक रोशनी दिख रही है आपको? उस घर में जा रहा हूं मैं। जंगलों से गुजरते हुए, कांटे, पत्थर और ठंड से लड़ते हुए मैं आखिरकार एक किसान के घर पहुंच ही गया, और पहुंचते पहुंचते मुझे रात हो गई। और क्योंकि यहाँ सिर्फ 7 ही घर हैं और सभी यहाँ एक परिवार की तरह रहते हैं, तो बारी बारी से सभी ने मुझे अपने घर पर खाने पर बुलाया। और सबसे पहले शुरुआत इस प्यारे से परिवार के साथ याक के दूध की चाय की प्याली पीकर हुई। आप जिस भी घर में जाओगे, चाय तो मैंडेटरी है ही है। दिन में कम से कम 6 से 7 ग्लास चाय तो यहाँ के लोकल लोगों की हो ही जाती है, और हो भी क्यों ना, ठंड जो इतनी पड़ती है। सो गाइज, दिस इज द हाउस वेयर आई एम स्टेइंग in this village, and this is the only washroom which I just used this morning. And come on, let me show you how it is. This is the most comfortable washroom I have ever used, and you will see why. Can you see in there? See, this is where you shit. And yeah, this is all how it is. Most comfortable washroom I've ever used. No flush, no nothing. Just shit and get out. Life here in Shushuna Spiti is very tough. And all you see here is nothing but just sea buckthorn. All these are wild bushes you see. It's sea buckthorn. Whoa! And guys, there are like people here in village. They have spotted snow leopards a lot of time. And see what I have spotted. A donkey. Hello, baby. Guys, I think you should see this. Look at this. कैसे बर्फ बने पड़े हैं कपड़े। कपड़ों के अंदर आइस जमी हुई है। You see that white? It's all ice. See, all ice. कैसे कार्डबोर्ड बन गया। कार्डबोर्ड बना पड़ा है। होली मोली, ये देखो। ओह गॉड, दिस विलेज इज क्वाइट पीसफुल, साइलेंट एंड ब्यूटीफुल। चलो, आई विल शो यू मोर। सी यू। मेरी अगली सुबह यहाँ के लोकल किसानों के साथ इनका लोकल फूड चीमू खाकर हुई एंड ऑफ कोर्स चाय। और फिर मुझे गांव के सभी किसानों के साथ उनकी मीटिंग में बैठने का मौका मिला, जहां मैंने गांव वालों की एक बड़ी समस्या को जाना। और वो समस्या ये थी कि गांव का महिला मंडल गलती से फॉरेस्ट लैंड पर बन गया है, जिसके चलते उन्हें सरकार से कोई ग्रांट नहीं मिल रही, जो कि गांव की तरक्की में एक बड़ी बाधा है। क्योंकि टूरिज़्म यहाँ तक आसानी से पहुँच नहीं पाता था, तो गाँव का मेजर सोर्स खेतीबाड़ी से ही आता था। ये सुनते ही मैंने सोचा कि क्यों ना इस कार्य को करने में गांव वालों की मदद की जाए, महिला मंडल के काम के लिए जो भी अड़चन आ रही है उसे सुलझाया जाए। तो बस इसी तरह ये सिलसिला शुरू हुआ और हम अगले ही दिन से इस उलझन को सुलझाने में लग गए, जिसके लिए हम गवर्नमेंट के ऑफिस गए, वहाँ के ऑफिसर्स से मिले, जिन्होंने हमें पटवारी जी से मिलने का सुझाव दिया। आई हैव कम टू दिस गवर्नमेंट ऑफिस। पटवारी जी से मिलकर हमने गांव का नक्शा देखा और कौन सी जमीन गांव वालों के लिए अच्छी रहेगी उसका निर्णय लिया। और सारे कागजात के काम निपटाने के बाद पटवारी जी ने ऑन लोकेशन आकर जमीन को नापने के लिए हामी भरी। बस ये सुनते ही गांव वालों ने चैन की सांस ली। Abhishek, my friend, how are you? Very well, my brother. Very well. How was that today? Amazing, amazing. आप दिखे नहीं उस दिन, आए नहीं, हम गए थे वहाँ पे, सारे ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफिस वगैरह के वहाँ सब गए थे। रात तो ज्यादा हो गई थी लगता है। जो भी काम है ट्रेन वाले चलेगा। Very nice. ट्रायंगल बन रहे हैं। ये छोड़ देते हैं, इधर से नीचे थोड़ा सा भी नीचे जाएंगे तो फॉरेस्ट में गलत है, वो गलत हो जाएगा। ये कूल है इन लोगों का, जो मेन हमारे पास बेसिकली ये स्पेस है, ये स्पेस है। इस स्पेस में से हमने यहाँ से कुछ गैप रखना है, इधर वाले से भी रोड घुसने के लिए रखना है, उसके बीच में बनाना है। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर हमको ढूंढना है। अब सपोर्ट में ये लोग देख रहे हैं, फॉरेस्ट के अंदर आ रहा है, इस लाइन से नीचे फॉरेस्ट के अंदर आ रहा है, इस लाइन से ऊपर ही लेना है। हाँ ठीक है, और फ्लैट तो यहाँ पर हो जाएगा। डिपार्टमेंट जितना है ना वो सब पूरा हो जाएगा। ये वाला बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, थोड़ा सरफेस भी मिल जाएगा ना। थोड़ा ये है कि उधर पूरा वो उसके साथ टच नहीं करना, कुछ गैप रखना, वो भी देखना इसके साथ। हाँ काफी गैप होगा। पाँच बीसवा जमीन हमें दे रही है गवर्नमेंट, उसके अंदर हम अपना जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम बनाएंगे, ताकि हमारी यूनिट्स भी उसके अंदर आ जाए, महिला मंडल भी उसमें बनेगा, ताकि हमें गवर्नमेंट से ग्रांट भी मिले, विच इज़ गोना बी रियली रियली गुड फॉर दिस विलेज फार्मर ऑल दिस पीपल। आप खुश हैं, आप खुश हैं यहाँ पे, इस जगह पे आप खुश हैं, आपको अच्छी लग रही है जगह? हम तो खुश हैं। चलो वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये पकड़ो। जमीन निकालते वक्त हमें कई बातों को ध्यान में रखना था, जैसे पानी का सोर्स क्या होगा, यहाँ तक बिजली कैसे पहुँचेगी, और ये बुद्ध स्तूपा जो काफ़ी प्राचीन है और जहाँ आज भी पिन वैली गांव के लोग अपने साफ मन से यहाँ पूजा करने आते हैं। ये सब करते करते हमें शाम हो गई और फाइनली सभी की मंजूरी के साथ हमने ज़मीन को फाइनल किया। बस गांव वालों की आंखों में जो चमक थी वो देखने लायक थी। आप बताओ, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे अब महिला मंडल यहाँ बन जाने से और को काफ़ी फ़ायदा होगा। पहले जो बना था महिला मंडल उसमें कागज़ पत्रिका वगैरह नहीं है, काफ़ी दिक्कत आ रही थी। अब जो महिला मंडल यहाँ बन जाएगी, जिससे मतलब कि हमारा जो भी काम होगा, ये जैसे सी बकथॉर्न वगैरह महिला मंडल जो भी काम करना चाहिए, कल दिन को यहाँ पर होटल वगैरह टूरिज़म दृष्टि से ये बहुत आगे जा रहा है, क्योंकि ये ब्रिज लगने से तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इससे हमने काफ़ी मेहनत की, हमारे जो अंशु जी है उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया, इसलिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच। चलो अब मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों का काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ये जल्दी से जल्दी बन जाए, ताकि हमें सहूलियत मिले, गवर्नमेंट से ग्रांट मिले और इस काम को हम और आगे लेकर जाएँ। द विलेज पीपल आर वेरी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच। बस उस रात सब गांव वालों ने साथ बैठकर खाना खाया और मैंने भी उनके स्पीति ट्रेडिशन में घुलकर खूब जश्न मनाया। एक मिनिमलिस्टिक लाइफ क्या होती है इस गांव में रहकर मैंने असलियत में जाना। इतनी कठिनाई में जीने के बावजूद ये गांव वाले हम सबकी ज़िंदगी में सी बकथॉर्न जैसी जड़ी बूटी की खेती करके बहुत बड़ा योगदान देते हैं। पर सवाल ये है कि हम किस तरह इनकी ज़िंदगी में अपना योगदान दे सकते हैं। वेल, an independent female entrepreneur, Amshu, who is deeply connected and associated with farmers of Shushuna, helps them to bring their harvest to us. If anybody wants to try the product, I will provide the link in the description. I have personally seen the core origin of its cultivation and how authentically organic products they provide to us. This is not a sponsored video, but if you want to help these farmers, do try their product once at least. और ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन आप सभी को मेरी तरफ से लव पीस एंड सी बकथॉर्न।